बेंगलुरु में लोग 83 को ISL इंटरप्रिटेशन के साथ देखने के लिए उत्साहित थे। मैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया लेने जा रही हूँ। आपने ISL इंटरप्रिटेशन के साथ 83 देखी, आपको कैसा लगा? अद्भुत था, आश्चर्यजनक। जब मैंने 83 देखी तो मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। अब 83 को पूरी एक्सेसिबिलिटी के साथ देखने पर मैं पूरी तरह समझ गया। शिक्षक उचित एक्सेसिबिलिटी प्रदान नहीं करते। डेफ अच्छी प्रगति कर सकते हैं लेकिन सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण है। 1983 में जो हुआ उसे देखना वाकई रोमांचक था। मैं ISL के साथ और फिल्में देखना चाहती हूँ। इंटरप्रिटेशन के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आया, ये सुंदर था। देखते हैं कि क्या छात्र ISL के साथ 83 देखने के लिए उत्साहित है। हाँ, ये वास्तव में रोमांचक था। ये पहली बार है जब मैं उनसे मिली और उनसे बात की। धन्यवाद, 83 फिल्म संतोषजनक थी। धन्यवाद, हमें उम्मीद है कि और भी फिल्में होंगी। मैं सबटाइटल के साथ देखने की आदी हूँ। साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन देखना अद्भुत था। मैंने फिल्म को शत प्रतिशत समझा और पात्रों की भावनाओं को भी महसूस किया। सांकेत, भाव, विज्ञापन, गीत, सब कुछ अद्भुत और प्रेरक था। 83 फिल्म की कहानी प्रेरणादायक और प्रभावशाली थी। सब कुछ बढ़िया था। 15 दिनों तक ISH टीम ने इतनी मेहनत की, बहुत खूब। टीम को धन्यवाद, बहुत खूब। साइंस डेफ के जैसे ही थे, ये पूरी तरह से एक्सेसिबल था। भाव, अभिव्यक्ति और संकेत समझ में आ रहे थे। सबटाइटल के साथ हमारे दिमाग को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सांकेतिक भाषा को हम आसानी से समझ जाते हैं और हमें खुशी का अनुभव होता है। गाने, कहानी सब खूबसूरत था। ISH टीम ने काफ़ी मेहनत की है। तालियां। ISL व्याख्या के साथ देखना रोमांचक था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भारत के हर जगह में ISL के साथ 83 की स्क्रीनिंग हो रही थी लेकिन यहाँ नहीं थी। इसके बाद उसके पति हरीश ने मुझसे संपर्क किया और मैं मान गई। महिलाएं सक्षम हैं, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल था। सब कुछ सही हुआ, मुझे प्रेरणा मिली थी। संकेत समझ में आ रहे थे और भाव स्पष्ट थे। तालियां। ISH टीम के लिए सराहना। मैंने सबटाइटल के साथ फिल्म पहले देख ली थी लेकिन ISL इंटरप्रिटेशन के साथ देखने के लिए फिर से आया था। कुछ दृश्य थे जिसकी व्याख्या ने मुझे भावुक कर दिया। पहले सबटाइटल से फनी सीन समझ में नहीं आते थे लेकिन यहाँ साइन लैंग्वेज से सीन पूरी तरह से समझ में आ गया और हंसी भी आई। यह आनंददायक था। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा जब मैंने दुभाषियों को उस सीन को साइन करते देखा जहाँ केवल 183 रन बनाने के बावजूद भारतीय टीम मजबूत थी। मैं व्याख्या से प्रसन्न हूँ और संकेत सुंदर थे। धन्यवाद, मैंने फिल्म देखी लेकिन डायलॉग और सबटाइटल समझ में नहीं आए। अब मैं सांकेतिक भाषा से अर्थ पूरी तरह समझ गया हूँ। धन्यवाद। हे, सुनिए, सेंसस का गूगल फॉर्म मैंने तो भर दिया है, आप भी जल्दी भरिए।